आज हम आरके नारायण की फेमस नॉवल द वेंडर ऑफ स्वीट्स की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवल में आरके नारायण ने हमें एक मिठाई बेचने वाले व्यक्ति जगन के बारे में बताया है, जिसका उसकी पत्नी के मरने के बाद अपने बेटे के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे होते और इसी वजह से वो सांसारिक दुनिया से संन्यास लेने के बारे में सोच लेता है। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवल की इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये नॉवल 1967 में आई थी और जैसे मैंने आपको बताया, ये श्री के वी जगन नाम के एक स्वीट वेंडर यानी मिठाई बेचने वाले की बायोग्राफी है, यानी एक मिठाई बेचने वाले के बारे में आर के नारायण ने हमें इस नॉवल में बताया है। और उनकी बाकी की नॉवल्स की तरह इस नॉवल की कहानी भी मालगुड़ी जगह की है और मालगुड़ी एक फिक्शनल टाउन है, यानी असलियत में ऐसा कोई टाउन नहीं है। आर के नारायण ने अपनी स्टोरीज के लिए इस नाम का चुनाव किया था। तो मालगुड़ी नाम की एक जगह में जगन नाम का एक मिठाई वाला रहता था और हमें बताया गया है कि कैसे उसके बेटे के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे और इसीलिए वो फाइनली रिनन्सिएशन यानी संन्यास के लिए चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो रहा था और उसे अपनी ज़िंदगी मोनोटोनस यानी कि बोरिंग लगने लगी थी। अब चलिए हम लोग इस नॉवल की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हमें सबसे पहले जगन दिखाया जाता है, जो कि 55 ईयर्स का स्वीट मीट वेंडर है यानी मिठाई बेचने वाला है। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसकी दुकान अच्छी चलती है और वो महात्मा गांधी का फॉलोवर था और वो बहुत ही ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग इंसान था और मालगुड़ी में वो रहा करता था। अपनी जवानी के दिनों में वो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था और इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी और वो इंडिया के आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ा था। भागवत गीता का उसके जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा था और भागवत गीता के टीचिंग्स को, प्रिंसिपल्स को वो अपनी लाइफ में लागू करता था। इसके अलावा वो नेचुरोपैथी, आयुर्वेद वगैरह में यकीन करता था। नेचुरोपैथी का मतलब होता है नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना और उसका ऐसा मानना था कि कभी ना कभी वो नेचुरोपैथी पे एक बुक लिखेगा और उसे पब्लिश कराएगा, लेकिन ये ड्रीम उसकी शायद कभी असलियत में तब्दील नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसने उसका ड्राफ्ट तो बनाया था, उसने वो बुक लिखी तो थी, लेकिन वो एक लोकल प्रिंटर नटराज के ऑफिस में बस वो ड्राफ्ट रखा हुआ था और वो अभी तक प्रिंट हुई ही नहीं थी, इसीलिए ऑब्वियसली वो पब्लिश नहीं हो सकती थी। तो 5 साल से वो जो ड्राफ्ट था वो बस नटराज प्रिंटर के यहाँ पड़ा हुआ था। तो जगन जो था वो अपने हाथ से बनाया हुआ कपड़ा ही पहना करता था, क्योंकि उसे वो कपड़ा, अपने हाथ का कपड़ा प्योर लगता था और इस बात के लिए गांधी जी ने भी उसकी तारीफ़ की थी कि वो अपने हाथ से बुना हुआ कपड़ा पहनता था। जब वो उसकी वाइफ काफ़ी यंग थी तभी ही उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया था और जगन की वाइफ का नाम अंबिका था और ब्रेन ट्यूमर से उनकी मौत हो गई थी और इसीलिए जो उनका बेटा था माली, उसे पाल पोसकर जगन ने ही बड़ा किया था और इस वजह से जगन जो है वो काफ़ी स्पॉइल्ड हो गया था, वो बिगड़ैल हो गया था और जगन जो है वो अपने पूरी तरीके से माली का ध्यान रखता था और एक तरह का मैटरनल ऑब्सेशन था माली के लिए जगन के मन में, यानी माँ जैसा प्यार जगन उसे करते थे माली को और शायद इसी वजह से माली बिगड़ गया था। और कॉलेज डेज में ही माली ने जगन को बता दिया था कि उसे पढ़ना लिखना पसंद नहीं है और वो एक राइटर बनना चाहता है। तो जगन को लगा कि ये तो एक क्लरिकल ऑक्यूपेशन है, क्लर्क्स करते हैं ये सब काम, लेकिन फिर भी जो माली था उसने अपना पूरा मन बना लिया था कि वो अमेरिका जाकर क्रिएटिव राइटिंग सीखेगा, लिखना सीखेगा और इस काम के लिए उसने पासपोर्ट, टिकट्स वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया था और जगन को इस बारे में बताया भी नहीं था। इनफैक्ट जगन अपने अर्निंग्स में से, यानी जो कुछ भी वो कमाते थे अपनी मिठाई की दुकान में, उसमें से थोड़ा सा पैसा वो अलग से रख दिया करते थे ताकि वो उन्हें टैक्स ना भरना पड़े। उसी पैसे को माली लेता है ताकि वो अमेरिका जाने के लिए इस्तेमाल कर सके, अपने फादर के हिडन ट्रेजर
को वो ले लेता है, यानी वही पैसा जो उसके फादर अलग से रखा करते थे। लेकिन बाद में जगन को ये बात मालूम चल जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को मना लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके बेटे ने ऐसा काम किया है। और जो भी लेटर उसका बेटा अमेरिका से भेजा करता था, जगन उसे बहुत संभाल कर रखता था। और इनफैक्ट जो भी कोई जगन की दुकान में आता था वो उन लेटर्स को दिखाते भी थे। अ फ्यू ईयर्स लेटर, यानी कुछ सालों के बाद, माली जो है यानी जगन का बेटा, वो मालगुड़ी फिर से आता है। और वो पूरे तरीके से वेस्टर्नाइज हो चुका था और वो बात बात में इंडिया की बुराई किया करता था। और उसके साथ आती है एक अंग्रेज लड़की जो कि हाफ अमेरिकन थी और हाफ कोरियन थी, जिसका नाम होता है ग्रेस। और माली कहता है कि वो उसकी पत्नी है। तो जगन को लगता है कि शायद उन लोगों ने सोशल नॉर्म्स यानी जो शादी के नियम कानून होते हैं उसके हिसाब से शादी की होगी। लेकिन जगन को ये भी लगता है कि माली के साथ उसका रिश्ता अब और खराब हो गया है। लेकिन फिर भी जगन जो है वो ग्रेस को पसंद करने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि माली ग्रेस को टाइम नहीं देता है। सुन, माली एक्सप्रेसेस इस ग्रैंडियोस स्कीम। कुछ दिनों बाद माली अपनी महान स्कीम बताता है जगन को कि कैसे वो स्टोरी राइटिंग मशीन फैक्ट्री खोलना चाहता है, यानी ऐसी फैक्ट्री खोलना चाहता है जहां वो ऐसी मशीन्स लगाएगा जो स्टोरी राइटिंग का काम करेंगी। यानी वो बेसिकली बुक्स पब्लिश करवाने की फैक्ट्री खुलवाना चाहता था। और इसलिए उसने अमेरिका में कुछ लोगों से बात भी कर रखी थी। और वो कहता है जगन को, अपने पिता को, कि तुम उस फैक्ट्री में इन्वेस्ट करो। लेकिन जगन कहता है कि वो इस चीज़ के लिए राजी नहीं है कि वो इस तरह के बिजनेस के लिए उसे पैसे दे सके। और वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें अपनी मिठाई की दुकान दे सकता हूँ, मेरे जाने के बाद यानी मरने के बाद वो मिठाई की दुकान तुम्हारी ही हो जाएगी। लेकिन जगन इस बात के लिए राजी बिल्कुल नहीं होता और दोनों के बीच फिर से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, उनके बीच लड़ाई बढ़ जाती है। लेटर जगन मीट्स अ बियर्डेड मैन। बाद में जगन की मुलाकात एक दाढ़ी वाले इंसान से होती है और वो बियर्डेड मैन कहता है कि वो गायत्री माता की एक मूर्ति बना रहा है जिसमें उसे कुछ मदद चाहिए। और जगन फिर उस स्पॉट पर जाता है जहाँ पे वो दाढ़ी वाला इंसान अपना काम किया करता था, मूर्ति बनाता था। तो जगन देखता है कि उस आर्टिस्ट की जो जिंदगी है वो कितनी शांतिपूर्ण है, उसमें कितनी शांति है, कैसे वो अकेले बस उस मूर्ति को बनाता है और वही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल था। और इसीलिए जगन को उस बियर्डेड मैन की जिंदगी बहुत पसंद आती है और वो डिसाइड करता है कि वो उस आर्टिस्ट का पैटर्न बन जाएगा, यानी उस आर्टिस्ट को मूर्ति बनाने में मदद करेगा, पैसे वगैरह देगा, उसका पैटर्न बन जाएगा और अपनी इस तरह की जो जिंदगी है, मटेरियल वेल्थ की जो जिंदगी है, उसको छोड़ देगा जगन, ऐसा वो डिसाइड करता है। यानी वो संन्यास ले लेगा, ऐसा वो कुछ कुछ सोच लेता है। दिस डिसीजन शॉक्स मेनी पीपल इन द टाउन। तो मालगुडी टाउन के ज़्यादातर लोग ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन जगन जो है अपने वादे का पक्का था, वो टस से मस नहीं होता और पैसे को रिजेक्ट करने में भी उसे संतोष और शांति का अनुभव होता है। लेटर जगन लर्न्स दैट हिज सन हैज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेस। बाद में जगन को पता चलता है कि उसका बेटा जो है वो ग्रेस से अलग हो गया है और इनफैक्ट उसने ग्रेस से शादी ही नहीं की थी। तो जब जगन को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत शर्म आती है, उसे बहुत बुरा लगता है कि कैसे उसका बेटा बिना शादी किए ही एक महिला के साथ रह रहा था। और इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसीलिए वो अपने काम से रिटायर होने का सोच लेता है। और उसके मन में रिनन्सिएशन यानी कि संन्यास की बात आ जाती है और फिर वो अपने पास्ट को याद करने लगता है कि कैसे उसका जो भूतकाल था वो बहुत ही अच्छा था उसकी फैमिली के साथ, उसकी वाइफ के साथ। और तब फिर वो सोचता है कि शायद उसे अपने बेटे के साथ रिकनसाइल कर लेना चाहिए, अपना झगड़ा सुलझा लेना चाहिए। लेकिन जब वो ये सब सोच ही रहा होता है, माली को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा होता है और उसने अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया होता है। और इसीलिए जगन अपने कजिन को कहता है कि इस तरह से अगर कुछ टाइम तक माली जेल में रहेगा तो उसकी बुरी आदतें जरूर सुधर जाएंगी। अ डोज ऑफ प्रिजन लाइफ इज नॉट अ बैड थिंग। तो जगन कहता है कि थोड़ी सी प्रिजन लाइफ
बुरी चीज नहीं होती, खासतौर पे माली जैसे इंसान की के लिए, क्योंकि उसे इस तरह की पनिशमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी वो सुधरेगा, ताकि वो अपने मिस्टेक से सुधर सके और एक अच्छा इंसान फ्यूचर में बन सके। लेकिन बाद में जगन जो है वो एक चेक लिखता है अपने कजिन के लिए और उसे कहता है कि माली को बेल पर छुड़ाने के लिए जितने भी पैसे लगे तुम जाकर भर देना। तो वो उस कजिन को वो चेक दे देता है और उसे ये भी कहता है कि अगर ग्रेस वापस अपने मदरलैंड, अपने देश अमेरिका वापस जाना चाहती है तो मुझे बताना, ताकि मैं उसके लिए प्लेन का टिकट भी खरीद दूं। तो इस तरीके से लास्ट में जगन जो है वो माली और ग्रेस की मदद करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और उसके मन में संन्यास की जो भावना है वो एकदम प्रबल हो जाती है। वो डिसाइड कर लेता है कि वो संन्यास लेना चाहता है, लेकिन फिर भी वो माली और ग्रेस की मदद करना चाहता था और वहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको इस स्टोरी की समरी समझ में आई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।